हे गाइस, तो अभी आपने जर्नी देखी होगी हमारी दिल्ली टू बिहार की। तो अब हम जा रहे हैं वापस बिहार टू दिल्ली। तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट हो रहा है शूट। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा पहला पार्ट। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, अभी तो नहीं आई है। तो अभी स्टार्ट करते हैं सब। तो आपसे मिलेंगे कब, तो दिन का थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है? तो तब तक के लिए बाय। सो गुड मॉर्निंग गाइस, हम यहाँ पहुँच गए हैं। अभी गोपालगंज पहुँचने वाले हैं, ये बिहार क्रॉस होने वाला है और एक कोई टोल प्लाजा आया है। तो तब तक आप सिनेमैटिक्स एंजॉय करो, बाकी जब अच्छी रोशनी होगी तो आपको भी। ये गाइस, हमने बिहार क्रॉस कर लिया है। यहाँ रुके थे सीएनजी डलवाने के लिए। यहाँ पे बिहार क्रॉस करते हैं ना, 20-22 किलोमीटर का फिर सीएनजी पंप आता है, वहाँ सीएनजी डलवाया था। 10-15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर चलते हैं यहाँ से और नॉन स्टॉप चलेंगे। अभी पहला स्टॉप हम करेंगे अयोध्या पे सीधा। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, I'm
आगरा एक्सप्रेस पे लिखनऊ है ना, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पे जो है, इसके हम पहले वाले फूड प्लाजा पहुँच गए हैं जो दिल्ली की तरफ जाता है। तो अब यहाँ पर थोड़ा खाएँगे वाएंगे, बेसिकली खाने का ही ब्रेक लिया है। और पेट्रोल भी कट टू कट है, लखनऊ में सीएनजी मिली नहीं हमें, और अब पेट्रोल उसमें 150 किलोमीटर का बचा हुआ था, 150-160 किलोमीटर का, कोई पेट्रोल पंप आया नहीं बीच में, तो फिर पेट्रोल भी एंड टू मतलब ख़त्म ही है ऑलमोस्ट। 70 किलोमीटर दिखा रहा है जाएगा, और यहाँ पे एक रिलायंस का पंप है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये यहाँ पे रिलायंस का पंप है और ये अपनी गाड़ी खड़ी है। तो फिर यहाँ से खाते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं, फिर निकलते हैं। और हाँ, मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि देखो, मैं जब आया था तो यही रूट था, वापस आने यही रूट है, तो मैं इसका पूरा एक ही व्यू डाल दूंगा कि एक सिंगल वीडियो की, हाँ वापस आने के ब्लॉग हो गया, और जो भी और एक एंड पार्ट बनाऊंगा इसमें टोटल बताऊंगा ओवरऑल खर्चा कितना हुआ, सीएनजी का कितना हुआ, गाड़ी ने एवरेज कितना दिया, सब कुछ मैं एंड में बताऊंगा। जो एक पार्ट 5 डाल दूंगा उसका, पार्ट नॉर्मल वाला, जिसमें सारी डिटेल दे दूंगा उसमें कि क्या क्या खर्चा हुआ, क्या कुछ दिक्कत आई नहीं आई इस गाड़ी में अब तक, जो भी हुआ मैं आपको एंड में बता दूंगा। Years later. तो गाइस फाइनली फरीदाबाद पहुंच गए, और वैसे टाइम हो गया है 12:30 हो गए, लेट बेसिकली पलवल पे जाम लगा हुआ था, सिंगल लेन रोड है वहाँ पे जाम लग गया, इस वजह से लेट हो गए, वरना तो हम टाइम पे आ ही गए थे। ऑलमोस्ट हमने 21 घंटे में डिस्टेंस कवर किया है, लगभग 1200 किलोमीटर का, और बाकी ओडो वगैरह की मैंने फ़ोटो ले ली है। अगर आप कहोगे मैं तो वीडियो बना दूंगा कि टोटल कॉस्टिंग वगैरह कितनी आई है इस चीज़ की, अगर आप कहोगे तो, अगर 10 या 20 कमेंट आ गए तो मैं कर दूंगा, वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। तो अब फिलहाल तो इस वीडियो में नहीं है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।